हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली के साइंस म्यूजियम में जाने वाले हैं, जो कि सचमुच में एक बहुत ही सुंदर जगह है, जहां पर आप घूमने के साथ साथ अपने बच्चों को ले जाकर उनकी नॉलेज भी गेन करवा सकते हैं। दैट इज़ रियली एन अमेजिंग प्लेस। तो अभी हम एक बहुत ही सुंदर टनल में से होकर गुजरने वाले हैं एंड वी आर वेरी मच नियर बाय टू द साइंस म्यूजियम। तो दोस्तों, ये टनल आ चुकी है एंड वी हैव एंटर्ड। और भाई, टेम्परेचर इज़ रियली वेरी हाई, बट ठीक है, जाना तो पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बच्चों को स्कूल की तरफ से भी ये टास्क मिला था कि आपको साइंस म्यूजियम में जाना है, तो इट्स ओके। हम भी अपने बचपन में गए थे, अब अपने बच्चों के माध्यम से हमें भी दोबारा मौका मिल रहा है उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का, एक्सप्लोर करने का। और करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बहुत लंबा गैप ले लेती है। जैसे हमने अपने बचपन में घूमी ये सब जगहें, लेकिन आज जब मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा हूँ तो आई एम अगेन रियली वेरी मच एक्साइटेड कि मुझे दोबारा मौका मिल रहा है, क्योंकि वो जगह वास्तव में बहुत अच्छी है। तो आप ये सामने देख सकते हैं, आपको पुराने किले की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी। दिल्ली में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आई कैन से। ये आप सामने देख सकते हैं पुराना किला, इसी के ठीक बगल में भैरव मंदिर भी है एंड इन द अपोजिट साइड, भैरव मंदिर के अपोजिट साइड में, इस साइड में यहाँ पर प्रगति मैदान है। पर धूप बहुत है दोस्तों, आप देख सकते हैं टेम्परेचर इज रियली वेरी हाई, बट ठीक है, जाना है तो जाना है। ये देखिए प्रगति मैदान, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था आपसे, यहाँ पे ट्रेड फेयर लगता है, सब लोग आते हैं, काफ़ी शॉपिंग करते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कहने का ये है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हम साइंस म्यूजियम के पास पहुँच चुके हैं। ये बस वाले ने बहुत तेज़ रोक दी, अभी गाड़ी ठुक जाती है उस पर। चलो खैर, बस वाले भी बाज नहीं आते, बहुत गलत तरीके से चलाते हैं आजकल, बीच रोड पर कहीं भी रोक देते हैं। खैर, लीव इट। ये वी आर एंट्रिंग फाइनली इन द साइंस म्यूजियम। यू कैन सी भारतीय विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, सॉरी। ठीक है जी, ये गार्ड साहब बोल रहे हैं भैया टिकट तो ले दो पहले, उसके बाद वीडियो बनाना। तो ये हम सीढ़ियों से अंदर चढ़ रहे हैं, टिकट ले चुके हैं, अब धीरे धीरे करके आपको पूरा साइंस म्यूजियम एक्सप्लोर करवाएंगे और सचमुच में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही सुंदर वीडियो बनी है, आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और सचमुच में आपको लगेगा कि ये रियल है। ये देखो एंट्री पे इस तरीके से इन्होंने एक्वेरियम टाइप का बना रखा है, समुद्री पानी में किस तरह जीव जंतु रहते हैं, दे आर शोइंग दिस। हर तरीके से इन्होंने प्रॉपर वही सेम एनवायरनमेंट जनरेट करके, ये हम आ चुके हैं एक्सेलरेटर पे और अभी एंट्री करेंगे ऊपर से अंदर जाके। यहाँ से होती है शुरुआत साइंस म्यूजियम की। ये देखिए क्रेजी बॉल वाला भी सेटअप है यहाँ पर, बट अभी ये बंद है, ये जालियाँ देख रहे होंगे आप, इसके अंदर से बॉल जाती है, पूरे में घूमती है, काफ़ी अच्छा है, मतलब बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे इससे। और आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं अंदर, अभी हम एक हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर एंट्री करने वाले हैं, धरोहर, जो हमारी प्राचीनतम धरोहर है, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं ये स्टैचूज वगैरह, और एनवायरनमेंट ऐसा जनरेट हो रखा है ना अंदर, जैसे सचमुच में ही हम एंशियंट टाइम में पहुंच गए हों। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से डेकोरेशन हो रखा है, यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, कोई बच्चों के साथ, कोई अकेले, एंड मज़ेदार प्लेस है, आपको सचमुच में खूब इंजॉयमेंट होने वाला है। ये देखो कितना बड़ा पहिया व्हील, ओ माय गॉड, रियली अमेजिंग। ये हड़प्पा, प्राचीनतम जमाने में जो हड़प्पा संस्कृति चलती थी उसके टाइम के ये स्टैचूज वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पे, किस तरीके से वो लोग अपनी जिंदगी को जीते थे, क्या करते थे, कैसे खाना बनाते थे, कैसे आटा गूंथते थे, कैसे जानवर होते थे वहाँ। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये हॉर्स भी है, क्या नाम आपका, मुर्गे हैं, यहाँ पे डॉग है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। एंड ये जो स्टैचूज हैं एकदम रियलिस्टिक लग रहे हैं, आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे मतलब कोई बंदा नहीं बैठा है, बैठा है, ऐसा ही लग रहा है बैठा है। ये देखो एकदम मस्त, ये देखो जी इनके आभूषण प्राचीनतम जमाने के। ये देखो जी बॉल शुरू हो गई जी, क्रेजी बॉल स्टार्ट हो गई चलनी, वाह मज़ा आता है इसमें। ये देखो ये पूरा सेटअप है बहुत बड़ा, आपको बच्चों को जरूर लेके जाना चाहिए यहाँ पे, अगर अभी तक आप लोग नहीं गए हैं तो दिस इज, आई विल से दिस इज द मिस्टेक, यू मस्ट गो देयर विद योर किड्स, इट इज़ रियली इंजॉयबल प्लेस, मज़ा आ जाएगा आपको जाने के बाद में। ये देखो जी बॉल पहुँच गई बिल्कुल एकदम नीचे, ये देखो माई गुडनेस, रामनी सी लगती हुई, बहुत ऊपर है हम इस समय, ये देखो ना भाई, फोन ना छूट जाएगा मेरा नीचे। हाँ देखो ये सीढ़ियाँ भी, ये वही एक्सीलेटर जहाँ से हम चढ़ के आए थे अभी, आपने देखा होगा। ठीक है जी, तो अब हम ये एंट्री कर रहे हैं साइंस वाले सेक्शन में, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जाएंगी। ये देखो जी यहाँ पे आप अपना बैलेंस बना सकते हो, ये बच्चे चल रहे हैं, ये गिर गया, ये जैसे ही गिरता है तो वो सामने से बोलते, अरे आप गिर गए हैं। और सच में जब आप फाइनल क्रॉस करते हैं तो आपको बधाई भी दी जाती है, यस यू हैव डन समथिंग, यू हैव अचीव समथिंग एक्चुअली। ठीक है, ये साइकिल है, आप जैसे साइकिल चलाएंगे वैसे वैसे वो जो स्केल्टन है वो भी साइकिल चलाएगा, बच्चों को मजा आ जाता है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ काफी कुछ उनको सीखने को भी मिलता है। ये देखो जी ये जुरासिक पार्क आ गया अंदर, यहाँ पे एनिमल्स हैं, ये देखो कितना एकदम रियलिस्टिक, रियल साउंड्स, बच्चे को तो एकदम मजा ही आ जाएगा आपके, एकदम रियलिस्टिक है, एनिमेटेड है, हिल रहे हैं भाई साहब, तो ठीक है, बढ़िया रहेगा आपके लिए, मस्त एकदम। ये देखो साहब जी हमारे
मस्त इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा हल्का सा डरावना भी हो सकता है फर्स्ट टाइम के लिए, बट आप बच्चों को ये बोल के ले जाएं कि हम साथ में हैं आपके, तो नहीं डरेगा। ये देखो ये पूरा हिल रहा है। एक तो साउंड्स जो इन्होंने डाले हुए हैं ना, वो थोड़ा सा साउंड और ये जो डार्क एनवायरनमेंट है ना, ये बच्चों को कई बार डरा देता है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब इंजॉयफुल जगह है, बच्चों को लेके जाओ और इंजॉय करो, और अपनी भी अपने आप का भी बचपन ताज़ा करो, ज़रूरी है। काम वगैरह सुबह से लेके शाम तक की भाग तो चलती रहेगी आपकी लाइफ में, लेकिन जो ये लम्हे हैं ना, इनको इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, जिसको समझना आपके लिए सचमुच में अनिवार्य है। ये देखो जी, ये देखो कुआं, बहुत गहरा कुआं बना हुआ है ये। ये देखो गेम्स भी हैं वहाँ पे बहुत सारी, बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है गेम्स भी, मतलब बच्चा बोर नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से आप ये गेम है, देखो ये बॉल घूमती रहेगी फिर जाके नीचे पहुँचेगी, ये तो बढ़िया है। और एक एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंगली बनी हुई है यहाँ पे, एक एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंगली एंड आई विल से सिस्टमैटिकली, कि मतलब बोरियत नाम की चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। ये देखो ये यहाँ पे क्या है, ये बच्चा कूदेगा ना, साथ साथ पियानो बजेगा और सामने लाइटिंग जलेगी, ये भी बढ़िया है, मतलब इंजॉय ही इंजॉय है ये चारों तरफ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगला देखो आप, ये एक इन्होंने रूम सा बनाया हुआ है, इसमें देखो कैसा दिख रहा है आपको, जैसे कि इसकी सिर्फ गर्दन यहाँ पे थाली के ऊपर रखी हुई है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा ब्लॉग था, पहला हमने छतरपुर मंदिर वाला ब्लॉग बनाया था, जो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो हम ऊपर आई बटन में डाल रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और धीरे धीरे हम और नई वीडियोज़ भी लाएंगे दिल्ली की और अच्छी अच्छी जगहों की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब हमारा चैनल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम हर चीज़ के ऊपर बनाएंगे, फिटनेस के ऊपर बनाएंगे वीडियो, और आपका एक्सप्लोर भी करेंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे, मोटिवेशन भी देंगे आपको, कंप्लीट पैकेज बनाना है इस चैनल को हमने।